शहर के मंडी रामदास क्षेत्र स्थित गली रामपाल में परचून व्यापारी द्वारा उधारी के रुपए का तगादा करने पर नामजद लोगों ने व्यापारी पर हमला बोलकर उसे घायल कर दिया। घायल व्यापारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में लहूलुहान अवस्था में भर्ती कराया गया ये युवक मंडी रामदास स्थित गली रामपाल का निवासी चेतन शर्मा है, जो कि अपनी गली में ही परचून की दुकान चलाता है। गली रामपाल का ही रहने वाला हीरालाल सोनी नामक युवक पिछले काफी समय से चेतन की दुकान से उधार का सामान लेकर जा रहा था। उधारी ज्यादा बढ़ने पर जब दुकानदार ने हीरालाल से तगादा किया तो उसको नगवार गुजरा। जब दुकानदार चेतन अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तो हीरालाल और उसके साथियों ने उसे हाथापाई की और उसके बाद दुकानदार अपने घर की छत पर सोया हुआ था, तभी हीरालाल व उसके साथियों ने मिलकर सोते चेतन पर हमला बोल दिया, जिससे बुरी तरीके से घायल हो गया। इस घटना के बाद दुकानदार के भाई पवन ने जानकारी देते हुए बताया है कि तहरीर दिए जाने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये आपके भाई हैं? ये मेरा भाई है। क्या किस तरीके से चोट आई थी? इसको लाठी डंडों सरियों ईंटों से मारा है ऐसे छत पर। किन लोगों ने मारा है? कुरिया समाज के माहौल लोगों ने। तो परचून दुकान कहाँ चलाते हैं? परचूनिया की दुकान गली रामपाल में चलाते हैं। अच्छा, उधारी को लेकर ये हीरा लाल सोनी है, पुत्र पप्पू सोनी, उससे उधारी का लेन देन था। अच्छा, वो सामान लेने आया था और जब उससे कहा कि पहले उधारी के पैसे दो तब हम उधार देंगे, लेकिन वो गाली गलौज करने लगा। हमने मना किया गाली गलौज देने से, नहीं यहाँ कर गाली गलौज मत कर रहे मत करो, तो उसने हाथापाई भी की, जिसका हमारे पास वीडियो भी है। और जो है वो थोड़ी देर बाद कुछ रात के 8-9 बजे करीब कुछ हमारे पड़ोसी के लोगों को लेकर आया था, जिनका नाम नानक चंद, पुत्र मालूम नहीं, और जो है उनके लड़के हैं चंदू है, हरीश है, लोकेश है, राजेश है, ये इसके 4 पुत्र हैं। और जो है इन्होंने आकर छत पर बुरी तरह से लाठी डंडों सरिये ईंटों से मारा है इसको, छत पर सोते हुए मारा। हाँ, और एक व्यक्ति एक घर से और है जिसका नाम है काना है, तोता है, और जो का नाम देवकी है। ये 3 लड़के और थे, पिता का नाम इनका फूलचंद है, जो इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये बताओ कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की इसमें? पुलिस में कार्रवाई की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम कई बार थाने भी गए, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अपराधी लोग फरार हो चुके हैं। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple app for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.